Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2018 की ब्रिटिश फिल्म द गर्नसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी के बारे में, जो कहानी है जूलियट नाम की एक ऑथर की, जिसे एक किताब के जरिए एक ऐसी सोसाइटी के बारे में पता चलता है जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सुना है और जिसे ना तो कभी किसी ने देखा है। फिल्म की शुरुआत होती है 1941 में गर्नसी आइलैंड पर, जो इंग्लैंड के पास है और जहाँ जर्मन मिलिट्री का राज चल रहा था। कुछ लोग कर्फ्यू के दौरान अपने घर लौट रहे थे कि तब उन्हें जर्मन सिपाही रोकते हैं। उन सबसे पेपर्स दिखाने के लिए कहा जाता है, पर उनमें से एक औरत भागने की कोशिश करती है। पूछताछ करने पर उनमें से एक लड़की बताती है कि वो लोग एक बुक क्लब के सदस्य हैं और बुक क्लब से घर लौट रहे हैं। ठीक उसी वक्त शराब के नशे में उनमें से एक बूढ़ा आदमी पोटैटो पाई की बात करता है और इस तरह वो लड़की एक काल्पनिक बुक क्लब को द गर्नसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी का नाम देती है। वो सिपाही उन्हें अपना बुक क्लब रजिस्टर करवाने के लिए कहते हैं और वो लोग गिरफ्तारी से बच जाते हैं। वहाँ से दूर लंदन में 5 साल बाद हम एक ऑथर जूलियट को देखते हैं, जो अपनी नॉवेल्स में अपना नाम इजी लिखती है। जूलियट अपनी नई किताब को प्रमोट कर रही है और इस बीच उससे पूछा जाता है कि वो इजी नाम का इस्तेमाल क्यों करती है, जिस पर वो कहती है कि ये नाम इस काम के लिए उसे बेहतर लगा। जूलियट को उसका अतीत परेशान कर रहा था, जहाँ उसने अपना सब कुछ खो दिया था और उसे उसके दोस्त और पब्लिशर सिडनी ने बचाया था। सिडनी चाहता है कि जूलियट अपने लिए एक नया और बेहतर घर खरीद ले, पर वो आलीशान घर जूलियट को अपना घर नहीं लगता। एक रात गर्नसी से जूलियट के लिए एक चिट्ठी आती है, जो डॉसे नाम के एक आदमी ने भेजी है। उसे एक बुक मिली है जिसमें जूलियट का नाम और पुराना एड्रेस लिखा है। वो अपने बुक क्लब के बारे में उसे बताता है, जो एक रोस्टेड पिक को छुपाने के लिए बनाया गया था, और कहता है कि अब यहाँ से जर्मन्स चले गए हैं, पर उनके डर से जो बुक क्लब बनाया गया है वहाँ कोई किताबें नहीं है, और वो चाहता है जूलियट उसे लंदन के किसी बुक स्टोर का एड्रेस दे ताकि उन्हें किताबें मिल सके। जूलियट डॉसे की बताई बुक खरीदती है और उसे वो बुक भेजने की बात कहती है अगर डॉसे उसे अपने बुक क्लब के बारे में और बताए। जूलियट को मार्क नाम का अमेरिकन आदमी मिलता है, जिसे वो पसंद करने लगती है, पर उसे यहाँ लोगों के बीच रहकर भी खुशी नहीं मिलती। मार्क चाहता है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क जाए, पर जूलियट कभी किसी भीड़भाड़ वाले शहर में नहीं गई है और ना ही कभी जाने के बारे में सोचा है। उसे डॉसे की चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने उन सवालों के जवाब दिए जो जूलियट ने उसे पूछे थे। वो बताता है कि जर्मन्स ने उनके सारे जानवर ले लिए थे खुद के सिपाहियों को खाना देने के लिए, और एक भी जानवर अपने पास रखना गर्नसी के लोगों के लिए गुनाह था। डॉसी को आलू की खेती करने के ऑर्डर्स दिए गए थे, जिसके बाद गर्नसी के लोग सिर्फ और सिर्फ आलू खाकर दिन गुजार रहे थे। जर्मन्स ने सारे रेडियोस और पोस्ट ऑफिसेस बंद कर दिए, जिस वजह से गर्नसी के लोग दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए थे। फिर एक दिन डॉसी को उसकी दोस्त एलिजाबेथ अपने घर बुलाती है, जहां उन्होंने एक पिक छिपाया था, और उस रात उन्होंने कई दिनों बाद अपनी भूख मिटाई। डॉसे कहता है कि एलिजाबेथ को समझ आया था कि उन्हें खाने से ज्यादा लोगों से घुलने मिलने की और दोस्ती की जरूरत है, और इस तरह और लोग उनसे जुड़ने लगे, और तब एबन नाम का आदमी उनके लिए पोटैटो पील पाए बनाकर लाया। कुछ घंटों के लिए वो लोग सब कुछ भूलकर खुश रहने लगे, पर फिर रात में उन्हें जर्मन सिपाहियों ने देख लिया और इसीलिए इस बुक क्लब को जन्म देना पड़ा। किताबों में उन्हें आजादी मिली और नई दुनिया में वो गुम होने लगे। ये सब कुछ पढ़कर जूलियट उसे चिट्ठी लिखकर कहती है कि वो उनके पास आना चाहती है और उनकी मीटिंग का हिस्सा बनना चाहती है, और यही बात वो सिडनी से जाकर कहती है। वो उसे ऐसा करने से रोकता है, पर जूलियट जिद करती है कि वो इन लोगों की सोसाइटी के बारे में लिखना चाहती है। जाने से पहले मार्क उसे प्रपोज करता है और जूलियट शादी करने के लिए मान जाती है। वहां से वो गर्नसी आइलैंड पर पहुंचती है और रास्ते में उसे डॉसे मिलता है, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर वो रहने के लिए जगह ढूंढती है और वहां उसे एबन मिलता है। ये जानकर कि वो जूलियट है, एबन उसे रहने की जगह देता है और एक असली राइटर को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो जाता है। एबन
एबेन की बताई होटल में पहुंचने पर वो देखती है कि लोगों की नजर मार्क की दी गई अंगूठी पर आने लगी, इसीलिए वो अंगूठी निकाल लेती है। शाम को जब वो बुक क्लब पहुंचती है तो उसे लोगों का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है और उसे बताया जाता है कि एलिजाबेथ आइलैंड से बाहर गई हुई है, इसीलिए जूलियट उससे मिल नहीं पाएगी। और कुछ ही देर बाद वहाँ डॉसे आता है। जूलियट को अपनी किताब में से कुछ पढ़ने के लिए कहा जाता है और कुछ देर बाद जूलियट भी उनके साथ घुल मिल जाती है और उसके पैशन को देख सबको अच्छा लगने लगता है। पर जब वो उन्हें बताती है कि वो उनकी सोसाइटी के बारे में आर्टिकल लिखेगी तो ये सुनकर उन सबको अजीब लगता है और वो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। तभी कमरे से बाहर एक बच्ची किट आती है जो डॉसे और एलिजाबेथ की बेटी है। रास्ते में जूलियट डॉसे से माफी मांगती है पर वो समझाता है कि यहाँ के लोग दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं और खास करके अमेलिया ये चाहती है कि उनकी सोसाइटी के बारे में किसी को पता ना चले। अगले दिन जूलियट से कहा जाता है कि उस सोसाइटी के लोगों की हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी कहानी में कुछ ऐसा है जो वो किसी को नहीं बताते। वो सिडनी को बताती है कि मार्क के साथ उसकी सगाई हो गई है, जो सुनकर सिडनी को थोड़ी तकलीफ होती है पर वो कुछ कहता नहीं। एबेन के पोते से बात करने पर जूलियट को पता चलता है कि वॉर के दौरान जर्मन्स यहाँ आने वाले थे और उनके आने के एक दिन पहले उसे यहाँ के दूसरे लोगों के साथ इवैक्यूएट किया गया था और ये सारी बात बाहरी दुनिया में किसी को पता नहीं थी। वहाँ से निकलते वक्त वो एबेन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था पर तब एलिजाबेथ ने उसे हिम्मत दी थी और अपने परिवार वालों को अलग होता देख यहाँ रुका हर इंसान अधूरा महसूस कर रहा था। एलिजाबेथ के बारे में पूछने पर एबेन कुछ नहीं बताता पर उसका पोता ईलाई कहता है कि 1944 में उसे गिरफ्तार करके यहाँ से दूर भेज दिया गया था पर कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। इस बात की गहराई में जाने के लिए और एलिजाबेथ के बारे में और जानने के लिए जूलियट डॉसे से बात करती है जो उसे आइलैंड की चीजें दिखाता है और बताता है कि यहाँ की ज्यादातर चीजें जर्मन्स की डिजाइन की गई हुई जेल्स थी और उन्हें बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया था और उनसे मजदूरी करवाई थी। डॉसे उसे एलिजाबेथ के बारे में सिर्फ इतना बताता है कि किसी की मदद करने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। जूलियट ने फैसला कर लिया था कि वो तब तक घर वापस नहीं जाएगी जब तक उसे एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ पता ना चले और इसलिए वो हर किसी से बात करने लगती है। आइसोला उसे बताती है कि अमेलिया की बेटी जेन की मौत हो गई थी और तब जेन की सबसे अच्छी दोस्त एलिजाबेथ उसकी दूसरी बेटी बनकर उसके घर आई थी और उसने उसे संभाला था। वो ये भी बताती है कि एलिजाबेथ जर्मन से नफरत करती थी और इसलिए अमेलिया नहीं चाहती उनकी सोसाइटी के बारे में कहीं भी लिखा जाए। अमेलिया से मिलकर वो उसे बताती है कि उसने भी अपने माता पिता को खोया है और वो एलिजाबेथ को ढूंढकर घर वापस लाना चाहती है उसकी बेटी किट के लिए ताकि वो अपना बचपन अकेलेपन में ना बिताए और इसमें मार्क उसकी मदद करता है। गहरी छानबीन पर जूलियट को पता चलता है कि डॉसे ने किसी को मारने की कोशिश की थी और वो जेल जा चुका है। उसे फिर से चेतावनी दी जाती है और बताया जाता है कि किट डॉसे की नहीं बल्कि एलिजाबेथ और एक जर्मन आदमी की बेटी है और डॉसे से पूछने पर वो उसे उस आदमी के बारे में बताता है। वो आदमी क्रिस्टिन डॉसे का दोस्त था और एक अच्छा इंसान था। वो एलिजाबेथ से हॉस्पिटल में मिला था और डॉसे खुश था क्योंकि एलिजाबेथ उसके साथ खुश थी पर उन्हें दुनिया से अपना रिश्ता छिपाना पड़ रहा था। इन्हीं बातों में जूलियट डॉसे के साथ वक्त बिताने लगती है। अमेलिया एक रात उन दोनों की नजदीकी देखती है और समझ जाती है कि जूलियट क्रिस्टिन के बारे में जानती है जिसका एलिजाबेथ के साथ होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि एलिजाबेथ क्रिस्टिन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उस रात क्रिस्टिन को वहाँ से दूर भेज दिया गया था और रास्ते में उसकी शिप उड़ा दी गई थी और क्रिस्टिन की मौत ये बात जानने से पहले हो गई थी कि एलिजाबेथ माँ बनने वाली है। अमेलिया को डर है कि जर्मन जाकर किट को उससे छीन लेंगे और इसलिए वो यहाँ हो रही कोई भी बात दुनिया को बताना नहीं चाहती। एक तरफ जूलियट इस कहानी को इंसानियत के नजरिए से देख रही थी तो दूसरे लोग इसे एक अपवित्र कहानी मान रहे थे और इसीलिए वो आइसोला के घर रहने चली जाती है। आइसोला को लगने लगता है कि सिडनी जूलियट का बॉयफ्रेंड है पर वो बताती है कि सिडनी गे है और जूलियट का मंगेतर मार्क है। अगले दिन डॉसे के लिए जूलियट किट को संभालती है और तब वो पहली बार डॉसे के घर में जाती है। वहाँ उसे वही किताब मिलती है जो मिलने पर डॉसे को उसके बारे में पता चला था और वो डॉसे से कहती है कि एक किताब में कितनी ताकत है जो उसे लंदन से यहाँ ले आई है।
जूलियट को एबन उस आदमी के बारे में बताता है जिसे डॉसे ने मारा था, क्योंकि उसने एलिजाबेथ और क्रिस्टिन के बारे में जर्मन सिपाहियों को बता दिया था और उसे मार खाते देख सबको अच्छा लगा था। अगले दिन डॉसे बताता है कि एलिजाबेथ एक छोटे घायल लड़के को रात को लेकर आई थी जो जर्मन की चंगुल से निकलकर भागा था, और उसे बचाने के लिए वो दवाइयां लेने गई थी। इसीलिए उसने किट को डॉसे के पास छोड़ा, और तब से डॉसे ने किट की जिम्मेदारी ले ली। और एलिजाबेथ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वो डॉसे पर भरोसा करती थी। डॉसे की लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकी, और उस बच्चे को गोली मारकर जर्मन सिपाहियों ने एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लिया। और तब से लेकर आज तक डॉसे अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि वो एलिजाबेथ को बचा नहीं पाया। ठीक उसी वक्त वहाँ मार्क आता है और डॉसे को उसके बारे में पता चलता है। मार्क चाहता है कि जूलियट उसकी दी अंगूठी पहने, और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें एलिजाबेथ की खबर है। उसे पता चला है कि एलिजाबेथ को जर्मनी भेज दिया गया था, पर उसकी मौत हो चुकी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने उसे देखा था जब वो एक छोटी बच्ची को बचा रही थी, और इसकी सजा में उसे मार दिया गया था। डॉसे ये सुनकर किट को सारी सच्चाई बताने जाता है, और तब ईलाई उसे वो मेडल देता है जो एलिजाबेथ ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे दिया था। जूलियट रोती हुई अमिलिया को संभालना चाहती है, पर मार्क उसे रोककर वहाँ से वापस घर ले जाना चाहता है। जाने से पहले वो अपनी दोस्त आइसोला को अलविदा कहती है, और घर वापस जाते वक्त उससे हर कोई मिलने आता है। मार्क को तब समझ आता है कि डॉसे को उसका वहाँ होना पसंद नहीं था, और शायद वो और जूलियट एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। घर वापस आने पर मार्क की दी गई अंगूठी जूलियट को बोझ लगने लगी थी, और सिडनी को पता चलता है कि वो कई दिनों से कुछ खा नहीं रही है। वो उसे समझाता है कि उसे उनकी कहानी लिखनी होगी और अपने आप को संभालना होगा, और जो भी बात उसे परेशान कर रही है उसे उसका सामना करना होगा। और हिम्मत करके एक पार्टी में वो मार्क से मिलती है और उसे अंगूठी लौटा देती है। वो कहती है कि मार्क उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि उसकी और जूलियट की दुनिया बहुत अलग है, और जूलियट कभी भी अपने आप को मार्क की दुनिया का हिस्सा नहीं मान पाएगी। गुस्से में मार्क वहाँ से चला जाता है, और इस रिश्ते के बोझ से आजाद होकर जूलियट फिर से लिखना शुरू कर देती है। कई दिनों तक वो गर्नसी आइलैंड की कहानी लिखती है, और पूरी कहानी वो सिडनी को देती है, पर उसे पब्लिश करने की इजाज़त उसे गर्नसी के लोगों से मांगनी होगी। और अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद और उसका शुक्रिया अदा करने के बाद जूलियट सोसाइटी को अपनी लिखी किताब भेजती है, और एक चिट्ठी में ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगती है, पर ये समझाती है कि उसने वो किताब सिर्फ सोसाइटी के लोगों के लिए लिखी है। वो कहती है कि उन लोगों में उसे अपना परिवार मिला है, और उम्मीद करती है कि इस किताब से वो लोग करीब आ जाएंगे जो अब तक आ नहीं पाए। चिट्ठी पढ़ने पर डॉसे समझ जाता है कि वो मार्क से शादी नहीं कर रही है, और उसे वापस लाने वो लंदन के लिए निकलता है। पर ठीक उसी वक्त जूलियट भी शिप पर जाती है, और डॉसे को देख वो उसका पीछा करती है। अंत में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और डॉसे बताता है कि वो उसे लेने आया है, पर इससे पहले डॉसे कुछ कह पाता जूलियट उससे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। और अंत में एक किताब की वजह से डॉसे और जूलियट एक दूसरे के साथ और गर्नसी आइलैंड पर अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।